नमस्कार दोस्तों, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा व डेरा सच्चा सौदा के बारे में बात करते हैं, लोगों के बीच में पहुंचे हैं, सवाल करते हैं कि आज उनका गुरुजी के बारे में क्या कहना है। नमस्कार सर, क्या नाम है सर आपका? मेरा सूबेदार दिलीप सिंह यादव। सर, कितने समय से आप डेरा सच्चा सौदा के साथ जुड़े हैं? मैं 1999 से गंगा रुद्र वाली में मैंने नाम लिया था। मैं यूपी से बिलोंग करता हूँ, आर्मी से हूँ और मैं आर्मी में जॉब करता था, तो मैंने 99 में वहीं डेरा सच्चा सौदा बुद्रावाली में नाम लिया था। जी सर, समाज के लिए, सोसाइटी के लिए किस तरह के काम करता है डेरा सच्चा सौदा? सोसाइटी के लिए डेरा सच्चे सौदे का जो काम चल रहे हैं ये तो जितना कम सराहना की जाए उतनी कम है। मतलब ये बहुत अच्छा है। ऐसा तो हमने आर्मी में मैं रहा हूँ, ऑल इंडिया में तकरीबन घूमा हूँ, बहुत से संत महात्माओं के प्रवचन सुने हैं और देखा भी है, लेकिन ये चीज़ जो मैंने देखी है ये कहीं भी देखने को नहीं मिली। इसलिए मैं यूपी छोड़ के मैं यहीं सिरसा में सुख सागर कॉलोनी में मैं रहता हूँ। मेरे बच्चे भी यहीं डेरे स्कूल में पढ़ते हैं, मेरी बेटी यहाँ से एमसीए कर रही है और आगे बच्चों को भी मैं यहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि ऐसी शिक्षा मुझे कहीं नज़र नहीं आई जो यहाँ के शिक्षण संस्थान हैं। बहुत से ऐसे कार्य हैं जो गुरुजी कर रहे हैं, 134-135 के करीब लगभग काम कर रही है संस्था। तो जिस क्षेत्र में बोला जाए, मैं तो कहता हूँ एजुकेशन, हेल्थ से लेके सारा बेटी बचाओ बेटी अभियान, गवर्नमेंट जितनी पॉलिसी चल रही, स्वच्छ भारत स्वच्छ अभियान जितनी, सो मैनी है, लगभग इस तरह के अप्रोक्स 134 काम चला रही है डेरा सच्चा सौदा। ये बहुत सराहनीय, बहुत अच्छे काम कर रहे हैं गुरुजी। ऐसा आज तक किसी ने नहीं किया, ना हमने सुना है कोई हिस्ट्री में। जी सर, जिन स्कूल कॉलेज की बात आपने की है भी बहुत अच्छा है, लेकिन सर इन्हीं के बारे में काफ़ी हेडलाइंस दिखाई गई थी, इन्हीं के बारे में काफ़ी अलग दिखाया गया था, उसके बारे में आपका क्या कहना है? एक्चुअली दिखाया गया है जो ऐसा है कि हम तो बहुत पहले से जुड़े हुए हैं, तो हमें तो 1999 से इसके बारे में नॉलेज है और मैंने भी अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए यही सोचा था। मेरी बेटी चंडीगढ़ पढ़ने के लिए सिलेक्टेड हुई थी, वहाँ जॉब भी मिल रहा था, बट मैंने बोला नहीं, इस कॉलेज में पढ़ेगी और यहीं से मैंने पढ़ाई करवा रही, आगे मैं अपने पूरे परिवार को, सभी को और मिलने जुलने वाले यार दोस्तों मिलने के रिश्तेदारों को यही मतलब गाइडेंस देता हूँ कि इससे बढ़िया संस्थान आपको कहीं नहीं मिलेगा। बच्चे का स्वच्छ नॉलेज और वेशभूषा, बेटी बेटा कोई डिफरेंस नहीं है यहाँ पे जाके, जो बाहर की दुनिया में जो देखा जाता है वहाँ पे ऐसी कोई चीज़ नहीं है। ये जो दिखाया गया है ये सब पॉलिटिकल गेम्स हैं, जिसको कहते हैं मीडिया या जो भी है, हमें नहीं पता है, जो भी बोलते हैं वो सही बोलते हैं अपनी जगह पर, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, हमारे पास ऐसा कोई साधन नहीं, ठीक, सब गलत है। गुरु जी ने सोसाइटी के लिए क्या कंट्रीब्यूट किया है? सोसाइटी के लिए गुरु जी ने 134 कार चलवाए हैं मानवता भलाई के, हर क्षेत्र में गुरुजी ने बहुत सराहनीय काम किया है। जैसे कि अभी सफाई अभियान ही ले लीजिए, तकरीबन इंडिया के 30-35-40 शहर मैंने देखा है, इसमें पढ़ता रहता हूं पत्रिका में, कुछ जगह मैं भी पार्टिसिपेट किया है। जैसे कि मैं यूपी से बिलोंग करता हूं और मैं गंगानगर में था, मैंने बीकानेर में सफाई अभियान, गुड़गांव में, दिल्ली में पार्टिसिपेट किया। स्वयं लोग कहते थे आप कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, तो हमें मालूम है मालिक ने हमारे साथ क्या किया है। आज जो कुछ हमको मिला है यहाँ से वो हम सब जानते हैं, जो प्रेमी हैं, जितने डेरे सच्चे सौदे जुड़े हुए हैं उनको ये सब चीज़ पता है सब, इसको किसी को बताने की जरूरत नहीं, ना किसी पे वो भेद करते हैं। सिर्फ फेथ है, अगर भरोसा है तो पूछ गुरु जी डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा के ऊपर है, और वो ऐसा कोई आज तक संत ना हुआ है और ना होगा। कंट्री के लिए और क्या कंट्रीब्यूट किया है? कंट्री के लिए बहुत सारी चीजें हैं, जैसे क्या बोलते हैं, बेटी बचाओ बेटी अभियान जो चलाया है सरकार चला रही है, और जितनी मुहिम स्वच्छ भारत अभियान है, और देश जो भारत देश के ऊपर जो देशभक्ति के ऊपर है, गुरुजी ने बहुत कुछ ऐसे किया हुआ है। तो इस तरह से शिक्षा से लेके हेल्थ से लेके सब चीज़ के बारे में गुरुजी कर ही रहे हैं, हमारी समझ से ऐसी कोई चीज़ छूटी ही नहीं है जो लाइफ में आदमी को काम आने वाली है और जो यहाँ पे ना होता हो। अगर किसी को विश्वास नहीं है तो वो स्वयं अपनी आंखों से यहाँ देख सकता है, करे किसी पे कोई भरोसा न करे, क्योंकि आजकल भरोसा किसी पे नहीं किया जा सकता है, खुद
भाई बहन आपस में रिश्तेदारों पे भी किसी पे भरोसा नहीं किया जा सकता। हमारी यही सलाह है कि जिसको अगर विश्वास नहीं है तो वो खुद स्वयं आंखों से आके देख ले तो उसको स्वतः पता चल जाएगा। जी अभी 3 साल होने वाले हैं सर गुरुजी समाज में नहीं है, तो ना रहने से समाज के अंदर क्या प्रभाव पड़ रहा है उनका? समाज के अंदर प्रभाव ये पड़ रहा है जितने प्रेमी हैं, देखिए प्रेमी के लिए तो गुरुजी हरदम उसके साथ हैं जी, और आज हमारे साथ भी हैं, पल पल हमारी साथ सहायता कर रहे हैं और हमें पूर्ण विश्वास है हमारे सतगुरु पे। बाकी दुनिया में जिसको पता नहीं है उन चीज़ों को, तो जो टीवी में या न्यूज़पेपर में दिखाया जाता है वो तो बेचारे उनकी मजबूरी है, वो सब वही भरोसा करेंगे, उनको कुछ पता नहीं। लेकिन जो यहाँ जुड़े हुए हैं, आते जाते हैं, और जो जिन्होंने इनका सत्संग सुना है या प्रवचन जो भी है, उसको जो वचन है 3 वचन गुरु जी करवाते हैं, अगर उस पर चलेगा इंसान तो कोई नहीं, ना किसी से पैसा लिया जाता है, ना कोई चंदा चढ़ावा, कुछ भी नहीं, ऐसा कोई लालच नहीं, सिर्फ एक राम नाम को बताते हैं। जिस धर्म में हो आप उसी धर्म में बोलिए, ना कोई हिंदू मुसलमान ना कुछ, सब सर्व धर्म संगम है, या हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सभी का एक सर्व धर्म संगम खोला हुआ है, तो इससे बढ़िया और संस्था कोई है ही नहीं, हम तो यही कहेंगे जी। क्या समाज को गुरु जी की जरूरत है? समाज को गुरुजी की बहुत सख्त ज़रूरत है आज के समय में। इस कलयुग में बहुत सारे ऐसे अनैतिक कार्य हो रहे हैं जिनके कि हमारे मुंह से मतलब बोलना शोभा नहीं देता है, लेकिन ये आज आए दिन आपने मीडिया में न्यूज़ में देखते हैं कि ऐसी ऐसी खबरें आती जो अपने माँ बहन बेटियों के सामने बात करने में भी शर्म आती है हमको जी बेटा। सरकार से क्या मांग करेंगे गुरुजी के लिए? सरकार से यही अरदास करूँगा सरदार जी, जो गुरुजी के साथ में जो भी अन्याय हुआ है या जो न्यायपालिका है कानून के मुताबिक मतलब काम किया जाए, और किसी के बहकाने में या किसी के झूठ बोलने पर ना हो, ताकि इसका मतलब न्यायपालिका, और हमें उम्मीद है न्यायपालिका सही व्यवस्था करेगी इसकी और ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। गुरुजी बहुत जल्द ही हमारे बीच आएंगे, हमें ऐसा पूर्ण विश्वास है, हमारी भारत की जो न्यायपालिका है उस पर पूरा भरोसा है जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये थे हमारे साथ एक्स मिलिट्री ऑफिसर जिन्होंने अपने फैक्ट रखे, अपना एक्सपीरियंस रखा डेरा सच्चा सौदा के लिए, सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जिंसा के लिए। जिस तरह से इनका कहना है कि जो काम सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जिंसा ने चलाए हैं वाकई में वो सोसाइटी के लिए वे मिसाल हैं, और आज उनकी सख्त ज़रूरत है। ये लोग मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द गुरु जी समाज में वापस आएँ और समाज को सही डायरेक्शन दें। आपकी क्या राय है जरूर डालिएगा कमेंट बॉक्स में। देखते रहिए द फैक्ट है और सच का साथ देने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।